छत्तीसगढ़ के एक ऐसा चर्च विश्रामपुर के जिला आज भी लोगों नहीं जाना थे। और ये हरे मेन दरवाजा चर्च के और सामने ओकर बोर्ड लगे हैं और संगवारी हो बगल में ये हरे ओकर मठ जेकर कब्रिस्तान वही साथ में लगे हुए हैं। आप मतलब देखे मिल जाए पूरा कब्रिस्तान से भरे हुए हैं। नमस्कार संगवारी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, स्वागत करता हूँ आप मन के आज के फिर एक नवा वीडियो में। संगवारी वीडियो में बड़े से बड़े आप सब जन ला क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, मेरी क्रिसमस। संगवारी हो आज मैं आप मतलब बताने वाला छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जगह के बारे में जहाँ क्रिश्चन ने तो देखा तो छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे जगह है जहाँ पूरा आबादी ही क्रिश्चन है, पहला बहुत कम लोग मन जानते। और ये जो जगह आप मतलब बताने वाला हूँ ये जगह हरे छत्तीसगढ़ में है और वहाँ के छत्तीसगढ़ में जो है जगह बताने वाला हूँ वह अंग्रेज के ज़माना के और चर्च भी वहाँ और वहाँ के आबादी मन भी पूरे तरीक़े से क्रिश्चन है और बहुत लोग मन कम जानते। तो कर वीडियो कर बारे में आप मतलब आज बताने वाला हूँ और वो जगह बताने वाला हूँ कि कौन सा जगह है और साथ में आप मल्ला वो चर्च के अंदर भी दिखा हाँ। और आज भी चर्च के अंदर में अंग्रेज मन के कुछ कुछ सामान ला दिखे बर भी है, चला वीडियो में आप मल्ला बताने वाला हूँ। तो संगवारी हो ये हरे विश्रामपुर गांव और गांव की स्थिति कुछ इस प्रकार देख सकता हो। और ये जो हाँ देख सकता है ये मेन रोड है बिलासपुर से रायपुर वाला और वही पास पड़ते हैं विश्रामपुर। संगवारी हो ये जगह है रायपुर से बिलासपुर वाला रोड में, जब हाईवे वाला रोड में 60 किलोमीटर की दूरी पड़ते गाँव के नाम है विश्रामपुर। और आपस जैसे देखा गाँव ला तो उतना खास नहीं लगा, एकदम सामान्य रूप से लगी। और वहाँ की आबादी 5 से 7 हज़ार आबादी है और पूरा सब के सब क्रिश्चन है। और वहाँ जो अंग्रेज के ज़माना में वहाँ पे एक जो लोर नाम के जो रही से वहाँ पहुँचे रही से पहुँच के वहाँ पे एक चर्च के निर्माण करी। चर्च के निर्माण करे के बाद में वहाँ पे सब लोगन मन धीरे धीरे करके एक क्रिश्चन धर्म में परिवर्तित करी। ओकर बाद क्रिश्चन माने लगी और वहीं से छत्तीसगढ़ में फिर क्रिश्चन के जो मानने वाला है वहीं से स्टार्ट हुई। चला ओ आप मल्ला वो जगह ला ओला कर अंदर दिखाने वाला हाँ और ओकर बारे में थोड़ा कुछ कुछ जानबो अंदर में का चीज़ है कैसे है और का सही माँ ये जगह आप मन नहीं जाना रहे मन बोला कमेंट करके जरूर बता कि जगह ला आप मन देखे हो कि नहीं। गांव पड़ते विश्रामपुर और विश्रामपुर के पूरा लोगन मन ईसाई है और ओकर बारे में बहुत कुछ जानते हैं वहाँ के मन और वहीं से जो छत्तीसगढ़ में फैले हैं वहीं से फैले हुए हैं। तो चला देखो संगवारी हो ये हरे वो चर्च जी हाँ अंग्रेज के ज़माना के 154 साल पुराना आज भी वैसी की वैसी है और आज भी विश्रामपुर के लोग मन यहाँ 25 दिसंबर के अच्छे तरीके से मनाए जाते। और ये मेरे देख सका था जे हाँ बना है ला निर्माण करे है ओकर पूरा बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है अपन पढ़ सकता हो। और मेन जो अंदर गेट है यहीं से स्टार्ट होते हैं और बगल बगल में पूरा ओकर इन्फॉर्मेशन दिए गए है आप मन पढ़ सकते हो। और अंदर की स्थिति कुछ इस प्रकार है देख सकता था, पूरा चेयर वेयर लगे हैं अंदर में और ये देख सकता था अंग्रेज के ज़माना में जो जहाँ फास्टर बैठा थी से वो इस प्रकार है अंदर की स्थिति। और बगल में ओकर कुछ कुछ सामान में रखे हुए है बाजा चेयर वगैरह सब सजाया गया अच्छे तरीके से और 25 दिसंबर के दिन अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं और गाँव के लोग मन पूरा पहुँचते यहाँ पूरा हर चीज़ की सुविधा के है पूरा अंग्रेज के ज़माना में वो समय के आज भी वैसी की वैसी हर चीज़ सामान देखे मिल जाए। पूरा पंखा वंखा लगे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक और झूमर वगैरह सब चीज़ सजाए गए हैं। और जो अंग्रेज़ के ज़माना में जो सामान आप मतलब देखे मिल जाए ये देख सका था पूरा पुराना पहले के सब सामान लगे हुए हैं। और चला आप मल्ला ऊपर लेके चले हैं, यहाँ से साइड से सीढ़ी हवा है सीढ़ी के माध्यम से जा सकते हैं यहाँ से ऊपर और सीढ़ी देख सकते हो वो जमाना के सीढ़ी किस प्रकार से हवा है। तो ऊपर जैसे जाबो तो आप मल्ला ऊपर की स्थिति दिखाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से ऊपर है। चला ऊपर चढ़ के देखता कि ऊपर की स्थिति कैसे है। ये 4 मंजिल है देख सकते सबसे सामने यहाँ पर लिखा है हवा है एक बारे में कुछ कुछ बोर्ड टाइप के लगे हैं यहाँ पे यहाँ अपन पढ़ सकते हैं एक बारे में कुछ कुछ है। और
ये देख सका था, ये मलवेल चर्च नाम है कर विश्रामपुर लिखा है, और ये देख सका था पूरा चर्च है मेन वहाँ पे, और यहाँ पे चेयर वेयर लगे हुए हैं, रेड कलर में चेयर है, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे तरीक़ा से करे गए हैं, और यहाँ के नज़ारा कुछ इस तरह से है, और ग्रीन ग्रीन कपड़ा से ढक दिए गए अभी। और ये देख सकते संगवारी हो अंदर के, यहाँ पे जो मेन पास्टर बैठे हैं, और बगल में कुछ कुछ सामान वामान रखे हैं, पंखा लगे हुए हैं, बाजा हर चीज़ स्तुति करते हैं यहाँ, तो बाजा वाजा लगे हैं। यहाँ पे जो मेडल वगैरह हैं, क्रूज से मेडल है, कुछ कुछ सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, सजाए गए हैं, और बाजा वाजा रखे गए हैं। और ये साइड ले देख सकता हूँ, यहाँ से मेन बाहर निकलती। तो संगवारी हो, ये रही सामने के चर्च के सामने, कुछ इस प्रकार से लंबा चर्च बने हैं, 4 फ्लोर की हवा है। और सामने जो बगल में देखिए आप मन, तो ये में रहे गार्डन, कुछ इस प्रकार से गार्डन बना दे, काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से एकदम साफ़ सुथरा लगे हैं, गार्डन हवा है, और अच्छा से आराम से बैठ सकते हैं यहाँ आके। मस्त पेड़ भी लगे हुए हैं अगल बगल, अच्छा तरीके से पेड़ मनवा लाल लाल करके रेड भी कलर कर दें अगल बगल है। और संगवारी हो, आप मैं दिखाने वाला हूँ, ये देख सकता हूँ जस्ट बगल में ही कब्रिस्तान बनाए गए हैं, जो लोर जेकर नाम बताने वाला रहे, और लोर है पास्टर के नाम, जेकर मठ कुछ इस प्रकार यहाँ पे है। जस्ट चर्च के बगल में ही पूरा कब्रिस्तान है, और ये है 154 साल पुराना है सब, और यहीं पे ही कब्रिस्तान बनाए गए हैं, बगल में कब्रिस्तान के बगल में ही ये चर्च आप मन देखे मिल जाए। ये सब देखा जितना भी मसीही लोग मन डेट होते से, तो यहीं पे ओकर कब्रिस्तान बनाया जाते से, कुछ इस प्रकार से कब्रिस्तान है, देख सकता हो सबके कब्रिस्तान मठ बनाए गए हैं, ऐसे मठ बना के वहीं पे रखे गए, देख सकता कुछ इस प्रकार है। और यहाँ की जगह काफ़ी बड़ा जगह है, थोड़ा बहुत बड़े जगह है, पुराना ज़माना के जब आयरी से जो पास्टर है तब जाके ला खरीद के अपन जगह बनाए रही से पूरे इस तरीके से। तो संगवारी को कैसे लगे साहब, अपन वीडियो में ज़रूर बताओ कमेंट करके, और मिलवा अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।